हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और ये देखिए, मेरी सिद्धू रानी नीचे गई, पापा के पास बैठी है। रिद्धि भी निधि दीदी के घर में है, उसका ड्यूटी का टाइम रहता है तो वो वहीं पे घूमते रहेगी, आगे पीछे करते रहेगी। उसके साथ बाइक से उसको छोड़ने जाती है, फिर उसका बस आता है कंपनी का, वो चली जाती है और ये वापस भैया के साथ बाइक से घर आ जाती है। तो यही सब चल रहा है। आज नागपंचमी भी है, तो नागपंचमी हम लोग के यहाँ मनाया जाता है यही सावन के शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि को। तो आज के दिन हम लोग भागलपुर वाले लोग तो ऐसे ही मनाते हैं, जैसे कभी मनसा पूजा भी चली रहा है। तो ये देखिए, खिचड़ी बना के रखे हैं। आज खाना नहीं बनता हम लोग के घर सुबह में, हम आलू उबलने दिए हैं, दही चूड़ा खाते हैं और जेंट्स लोग लाबा और दूध खाते हैं, खोई जो होता है धान का, लेकिन वो खा के पेट तो नहीं भरेगा, इसलिए चूड़ा दही भी खाते हैं। और लेडीज़ लोग दूध नहीं पीती है, ना खाएगी ना मुँह लगाएगी, तो इसलिए वही सब नियम है, तो करेंगे ही। माँ छत धो रही है, आज पूजा पाठ है तो हम भी अभी पूरा घर वर धोएंगे, क्योंकि खाना तो बनाना है नहीं और पूजा पाठ का दिन है, तो फिर दूध और लावा को प्रसाद लगेगा भगवान जी को। और घर के चारों तरफ दूध लावा छीट दिया जाता है, जो कि नाग देवता आएंगे तो खाएंगे, ऐसा मान्यता है। और खाना बनेगा 3 बजे के बाद से, 3-4 बजे के बाद कढ़ी बड़ी और चावल बनता है, तो यही सब होना है। तो सुबह से खाना बनाना है नहीं, बच्चों बच्चा बूढ़ा और रोगी, इन तीनों का तो माफ रहता है हर चीज़, इसलिए बच्चों के लिए हम खिचड़ी बनाए हैं। और दूध भी ये लोग पिएगी ही, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं, मतलब शास्त्र भी आदेश देता है कि बच्चा बूढ़ा और ये। कितना कुत्ता से भूख रहा है, पता नहीं क्या है उधर। और सावन का भी आज लास्ट सोमवार ही लास्ट ही होगा। सिद्धू कहाँ गई? रिया का घर आ रही है, दिखाते हैं सिद्धू रानी को। सावन का भी लास्ट सोमवार ही है ना आज, किधर गई सिद्धू, दिखा रहे हैं। क्या कर रही है गोलू? बॉल से खेल रही है। आ गई तुम, देखिए कैसे चल रही है, देखिए कैसे चलती है ये, इतरा इतरा के बस आ गई मेरे पास। जैसे हमको देखेगी सिद्धि, अभी खेल रही थी बॉल से तो हमको देख ली, बस आगे चिपक गई। हाँ मत खींचो बेटा, क्या बदमाशी कर रही है सिद्धि? गीला है नीचे फर्श, भींगा हुआ है, देखिए कैसे चल रही है। पोस धो दिए हैं हॉल और रूम दोनों को आज, और भी पोछ भी दिया हल्का हल्का, देखिए गीले में कैसे चल रही स्टाइल से। गिरेगी, स्लिप हो गया तो पता चलेगा इसको। जा रहे चाय बनाएंगे, उसके बाद नहाने धोने का तैयारी करेंगे। खाना नहीं बनाना है, लग रहा है कोई काम ही नहीं है। वैसे आलू हम उबाले हैं, क्योंकि आज सब्जी उब्जी काटना भी नहीं चाहिए, अगर कल काट के हम रख लेते तो आज बना सकते थे। काटने का ही है कि आज चक्कू फसूल ये सब नहीं चलना चाहिए। ले सुसु कर, हम भी जा रहे हैं मंदिर, नहा के आगे पूजा कर लेंगे, क्योंकि ये हो गया है 9:30 बजने ही लगा है। सिद्धि सो रही है और रिद्धि के पापा गए हैं अभी दही लाने, और आएंगे तो ये नाश्ता करेंगे, इसलिए इनको आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि पूजा करके मंदिर से आ जाए। माँ भी नहा के आ गई है और ये दही वही लेके जब तक आते हैं तब तक हम जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे ना, तो ठीक रहेगा। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार कर हुए पैर वैर भी रंगना होता है आज के दिन, मतलब आज के दिन ऐसा कुछ नहीं, जब भी मंदिर जाते हैं तो माँ बोलती है कि बिना पैर रंगे मत जाया करो, तो ये सब हम जल्दी जल्दी कर लिए हैं। माँ भी नहा के आई है, पूजा भी करेगी, तैयारी कर रही है, तब तक हम मंदिर से वो आते हैं। खाता करो बेटा, खाएगी दही चूड़ा पापा साथ, खाएगी हाँ। तुम मुड़ी में तुमको देख के फुसला दिए पापा, रे इधर दही चूड़ा खा रहे हैं अब, देखी अब समझी, चूड़ा नहीं खा, दही रिद्धि को खूब पसंद है ना, अब देखिए कि दही चूड़ा यहाँ खा रहे हैं पापा। हाँ खाओ बोलू। ये देखिए मेरी सिद्धू रानी उठ गई सो के, है ना गोलू, तो डूब गई यार, रिद्धि को भेजे पुन्नी के घर, बोले वहाँ थोड़ा दाल चावल सब खा लेगी ढंग से, एक बार खाती है तो वहीं गई है। सिद्धि यहाँ है अभी, माँ का पूजा नहीं हुआ है, पूजा उनका हो जाता है तो नाश्ता निकालेंगे, ये तो खा के गए चूड़ा दही, और अब आएंगे दोबारा भूख रहेगा तो वही मुढ़ी चूड़ा चोखा चना भूनने दिए, सब सान के देंगे मिक्सर ये सब। और दादी अभी पूजा करे, माँ का पूजा हो जाता है तो फिर हम और माँ नाश्ता साथ ही निकाल लेंगे, है ना।
है ना बेटा। हाँ, बस दूर उठी है जो गोदी से, अब नीचे रही नहीं रही है, और देख लिए पापा को जाते हुए, तो और थोड़ा ज्यादा देख रहे कैसे कर रही है, मतलब कि ले चलो ले चलो हमको ले चलो, है ना। पूजा हो ही गया, अभी उनका भी नाश्ता दे ही देते हैं, उसके बाद फिर हम भी खाएंगे। हम तो मुढ़ी चूड़ा भी सानेंगे, चना भिनने के लिए मिक्सर मंगाए हैं, तो मेरा तो ये भी सनाएगा दही चूड़ा खाने के बाद। सैया जी बन गई है, मखान चोर बन गई है, गोलू मुंह दिखा दो। पैर हाथ सब में दही लगा लिए, खा रहे थे, मेरे साथ ही बैठी थी, हम चले गए मुढ़ी चूड़ा सानने, और खा चोखा मुढ़ी सान दे। देख रहे बनमाश को पूरा दही घी दिए चम्मच लेके, कहा गई मेरी दीदी रानी जी, दीदी को उसको भी बस स्टॉप छोड़ने गई थी, बस स्टॉप में उसको बोलो हटाने, पैर पोछने वाला लेके घूम रही है, बोलो तो दीदी, बोलो उसको हटाने, बोलो वहां रखो जाके, भेजी उसको, पैर पोछने वाला लेके घूम रही है, गंदा है चीची, फेंक दो रिद्धि सिद्धि, है ना गंदा है ना, अब बुला लो उसको। बोलो चलो पापा पास, बोलो जाओ, दोनों जाओ पापा पास, तुम भी जाओ पापा पास, जाओ पापा को प्यार करो दोनों मिलके, पापा भी अभी तुरंत आ ही गए हैं। ये लोग ना एक दूसरे से बस मुड़ी चुन के तो पापा को दिया तुमने। तुम्हारा पुपी रुको, क्या कर रही सिद्धू, कौन साफ कर रही है? सिद्धि पापा को देखी कान खुजाती, सिद्धि भी ले ली और करने लगी अपने से, कैसा साफ करती बेटा दिखा दो, तो सभी को दिखा दीजिए, गोलू रानी सिद्धू। सिद्धि आजकल तुरंत शर्मा जाती है, तुरंत में गुस्सा हो जाती है, अभी शर्मा गई है सिद्धि। शर्मा रही है, अभी शर्मा रही है। रिद्धि तो गई है छोटी के घर, 4 बज गया, हम लोग खाना मतलब दोबारा वही सब्जी, सब्जी तो नहीं चोखा मुढ़ी ये सब खाए, ये सब चना उना दे के फिर चाय पिए हैं, बर्तन थोड़ा हो गया जा रहे हैं धोएंगे। अब मुढ़ी चूड़ा का तो पूरा घर में होली हो गया, इतना मुढ़ी चूड़ा ये लोग छीटी है, तो झाड़ू उड़ू मारे हैं, फिर रिद्धि को खिलाएंगे भी आगे, तो सो गई है लगता है छोटी के घर। ये देखिए मेरी रिद्धि सिद्धि दोनों तैयार हो गई है, चेंज उंज कर लिए फ्रॉक व्रॉक और जा रही है घूमने पापा साथ, घूमने जा रही बेटा। हाँ घूमो, तो अब हम भी कर रहे हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि रिद्धि सिद्धि दोनों तैयार होके गई घूमने, और वीडियो अपलोड करके हम भी जा रहे हैं, अब खाना बना लेंगे आज के लिए, चावल बना नहीं है तो कढ़ी चावल ये सब बनेगा, तो वैसा भूसन अभी से थोड़ा घोल घूल के छोड़ेंगे तो अच्छे से कढ़ी बड़ी फूलेगा, इसलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, कल एक न्यू ब्लॉग मिलाते हैं बच्चों से, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।